सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। दफ्तर संभालने के बाद एक्शन में आए थे सीबीआई चीफ आलोक वर्मा, उन्होंने 5 अफसरों का तबादला भी किया था इस बीच। लेकिन सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के दर्शकों के लिए बड़ी खबर ये कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग क्या खबर? देखिए, 2 दिन से लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया जाएगा क्या। राहुल गांधी इस पर सीधा हमला भी कर रहे थे पीएमओ पर। 2 घंटे लगभग मीटिंग आज चली है पीएमओ में, और मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद से जब से यहां पर पहुंचे हैं, आप देखिए कि दरवाजा बंद है, सन्नाटा है बिल्कुल। हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बात नहीं इस मुद्दे पर करने को तैयार है। सूत्रों से हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आलोक वर्मा को सीबीआई से हटाया गया है, फिलहाल उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी है, आधिकारिक तौर पर बहुत हद तक मुमकिन है कि कैबिनेट मीटिंग चल रही है फिलहाल, उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जाए, ये बहुत हद तक मुमकिन है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि सीबीआई निदेशक को फिलहाल सीबीआई से हटा दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां ट्रांसफर किया गया इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन अनुराग ये बड़ा अजीब लग रहा है, उन्होंने जैसे ही पद संभाला ये कहा जा रहा था कि वो तूफानी बैटिंग कर रहे हैं, फिर आनंद फानंद में उन्हें हटाने का फैसला, ये क्या इशारा करता है? देखिए बिल्कुल, इस पर लगातार पॉलिटिक्स चल रही है। आप देखें अगर तो अक्रॉस पार्टीज, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हालांकि सरकार की किरकिरी जरूर होगी इस पर, लेकिन आप समझिए कि जो हाई लेवल कमेटी उसके 3 सदस्य होते हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे थे। नीतीश, आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई है? जो सिलेक्शन पैनल हाई लेवल कमिटी है, उसने सीबीसी की जो रिपोर्ट थी जिसको कि मॉनिटर कर रहे थे जस्टिस एके पटनायक भी, जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सब के उनके मॉनिटरिंग के, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखा था उन सब को ध्यान में रखते हुए और उसको जो है कंसिडरेशन में लेते हुए आलोक वर्मा को हटाने का निर्णय किया है। हालांकि जो खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि ये 2-1 रहा, प्राइम मिनिस्टर और जो जस्टिस सीकरी थे उनका वोट एक साइड गया हटाने की तरफ और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे की। इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। नीतीश, आप भी थे जिन्होंने इस होने वाली मीटिंग के बारे में कल न्यूज 18 के दर्शकों को बताया था, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ वो ट्रांसफर्स कर रहे थे आलोक वर्मा, आज ये फैसला क्या इशारा कर रहा है? देखिए, जाहिर तौर से ये फैसला जो है जिस तरह से आलोक वर्मा ज्वाइन करने के साथ ही तेजी के साथ फैसले ले रहे थे, और ये भी पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट में ये लिखा था कि वो कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस का मतलब क्या था? क्या आलोक वर्मा उसके खिलाफ जा रहे थे या पॉलिसी डिसीजंस के अंदर काम कर रहे थे? इस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जरूर जो है सरकार का ने जो जिस तरह से एंट्रीम डायरेक्टर नागेश्वर राव को बनाया था और उसके बाद नागेश्वर राव ने 13 ट्रांसफर्स किए थे, उसको जिस तरह से आलोक वर्मा ने रिवर्स किया था, जाहिर तौर से ये सरकार के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, को भी ये पसंद नहीं आया होगा उनका फैसला, नागवार गुजरा होगा। तो जाहिर तौर से जो है लिमिट में जो सिलेक्शन पैनल में इस बात पर भी चर्चा हुई होगी कि ये फैसला जो है कानूनी तौर पर नहीं लिया गया, कानून सम्मत नहीं है, और सबको सीबीसी की रिपोर्ट और आज कल के फैसले को कंसिडरेशन में लेते हुए ये फैसला लिया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके तहत आलोक वर्मा वापस अपने पद पर लौटे, और नीतीश आज इस मीटिंग के बाद हुआ ये फैसला, इन दोनों ही चीजों में विरोधाभास है, जरा ये बताइए इस मीटिंग में ऐसा क्या क्या हो सकता है जिसकी बात कही जा रही है सूत्रों के हवाले से, वो कौन कौन से पॉइंट्स रहे होंगे जिनकी चर्चा हुई होगी और ये फैसला फिर उसका आधार बना? देखिए, कुछ फैसले हैं जैसे कि सीबीसी का ने उनको रिमाइंडर, सीबीसी स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ आलोक वर्मा ने 21 अक्टूबर 2017 को कंप्लेन किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये करप्शन के मामले में शामिल है, जिसके बाद सीबीसी ने उनको 1 साल तक 10 रिमाइंडर भेजे, उनको फाइल्स जो है सबमिट करने को कहा मामले की, लेकिन जो आलोक वर्मा ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया,
ना उसका कोई पालन किया उनके इंस्ट्रक्शन का सीबीसी का। सीबीसी ने अपने नोट में भी लिखा था कि उनके ऑर्डर्स का जो इंस्ट्रक्शन थे उसको जो है आलोक वर्मा ने माना नहीं और उसकी अनदेखी की, ये एक पॉइंट था। इसके अलावा जो है मॉडिफाइड इंटेंशन जो खबर आ रही है कि जब इंक्वायरी की गई सीबीसी की तरफ से तो उनका मॉडिफाइड इंटेंशन था जो जजमेंट उन्होंने लिए थे जो केस दर्ज किया था राकेश अस्थाना के खिलाफ ना किसी से बिना पूछे हुए किसी के कंसेंट के बगैर। ये सारे पॉइंट्स रहे होंगे जो मीटिंग में कंसीडर किए गए होंगे जो सीबीसी रिपोर्ट में भी शामिल है उसके बाद ही ये जजमेंट जो है लिया। नीतीश, लेकिन एक बात ये भी आ रही है सामने कि खड़गे ने कुछ आपत्तियां जताई थी इस फैसले को लेने को लेकर, वो आपत्तियां क्या हो सकती हैं? देखिए खड़गे का ये शुरू से कहना था कि आलोक वर्मा को हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए, वो सिलेक्शन पैनल के सामने उनको उनको सुनना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि जो 75 दिन आलोक वर्मा जिस तरह से पावर से गायब में नहीं रहे उसका उनको कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने सीबीसी रिपोर्ट का भी हवाला दिया था कि सीबीसी रिपोर्ट आलोक वर्मा को एक बार दिया जाना चाहिए जिससे कि वो जो है इसको पढ़ के फिर वापस सिलेक्शन कमेटी के सामने आ सके। नीतीश, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। अमिताभ हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अमिताभ, सियासी मायने इस फैसले के क्या है? देखिए दो चीजें साफ थी, पिछले एक साल से जो घटनाक्रम चल रहा था जिसके चलते आलोक वर्मा और अस्थाना छुट्टी पर भेजे गए थे उसका आज अंत पटाक्षेप कहा जा सकता है आलोक वर्मा को सीबीआई से हटाए जाने के फैसले को, और खासकर उस सिलेक्शन कमेटी के उस पैनल के द्वारा जहां कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, उनकी आपत्तियों के बाद भी उस बैठक में गए थे, क्योंकि सरकार की भी फजीहत हुई है, सीबीआई की भी फजीहत हुई है और जाँच एजेंसी की फजीहत हुई है जिसको देश की प्रीमियर जाँच संस्था माना जाता था। तो जाहिर तौर पर यह सरकार का फैसला है, दो एक का फैसला भी हो सकता है, क्योंकि खड़गे ने कल आपत्ति जताई थी कि पहले उनके खिलाफ जितने आरोप लगे हैं उनको सामने उनको दिया जाए, वो पहले उन तथ्यों को देखेंगे तब जाकर सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे। तमाम तथ्यों को देखने के बाद जब वो बैठे होंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, तब ये ताबड़तोड़ जो तबादले उन्होंने किए कल, ये सीधे सीधे सरकार से टकराव की तरफ देखा जा रहा था और जाहिर तौर पर किसी राजतंत्र को ये जाहिर तौर पर ये घटना पसंद नहीं आ रही होगी और ये फैसला सिलेक्शन कमेटी ने कर लिया क्योंकि आने वाले 15 दिनों की शायद फजीहत से बच सके सरकार। जी अमिताभ, आपने एक बात कही नीतिगत फैसले जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है, नीतीश भी कह रहे हैं कि नीतिगत फैसले वो नहीं ले सकते थे, लेकिन क्या ये ट्रांसफर उन नीतिगत फैसलों में आता है? ये कहीं कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। इसमें हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि निदेशक एम नागेश्वर राव द्वारा जो ट्रांसफर लिए गए थे उन्हें तो उन्होंने निरस्त किया ही, साथ ही अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया। इस पर निगाह हमारी लगातार बनी हुई है।